मायसेल्फ डॉक्टर समीर कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। आज अपन डिस्कशन करेंगे बेटा जो भी प्रीवियस पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए उन पर। जैसे आज जो हमारा पास टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी, जेट के अंदर और आईसीआर दोनों में इनमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जेट के अंदर प्लांट फिजियो से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 2, और अगर आईसीआर की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 3। इसके पहले अगर दे तो जेट में 4 to 5 क्वेश्चंस जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी कवर करता था। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि यदि किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसका आयतन बढ़ जाता है तो ऐसे विलयन को आप क्या बोलेंगे। इफ ए सेल कैप्ट इन अ सॉल्यूशन दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जैसे इसके लिए अपन को सॉल्यूशन बात करनी पड़ेगी। जैसे बेटा आपको पता होना चाहिए कि विलयन है तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के 3 प्रकार जनरली हम डिस्कशन करते हैं। एक होता है बेटा अति पराशरी विलयन, राइट। एक होता है बेटा अल्प पराशरी विलयन, एक होता है बेटा सम पराशरी विलयन। 3 टाइप के विलियंस पे हम बात करते हैं, राइट। ये किस बेसिस पे बात किया जाता है कि ये हमने एक सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर सेल को रख दिया, यहाँ एक सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर भी हमने एक सेल को रख दिया, और यहाँ एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सेल को रख दिया, राइट। 3 सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अगर कोशिका की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन और कोशिका द्रव्य की सांद्रता में ये रिलेशन है कि विलयन की सांद्रता कम है और कोशिका की सांद्रता ज्यादा है, तो इस विलयन को हम बोलते हैं अल्प पराशरी विलयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? अल्प, हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब विलयन की सांद्रता अगर कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम है तो इस विलयन को बोलते हैं अल्प पराशरी विलयन। क्या बोलेंगे हम बेटा? अल्प पराशरी विलयन। और आपको पता है कि जो जल होता है वो हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, तो जल कहाँ जाएगा? अंदर। आपको पता है जब जल अंदर जाएगा तो कोशिका के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब कोशिका का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर आ चुका है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ध्यान रखो बेटा इंग्लिश वर्ड दे दिया, अल्प को बोल रहे हाइपो, और आपको पता है कि हाइपो कंडीशन में वाटर अंदर जाएगा। ऐसे अब तीनों के डिस्कशन कर लेते हैं। अगर सांद्रता विलयन की ज्यादा है और कोशिका की कम है तो इसको बोलते हैं अति पराशरी विलयन, और अति पराशरी विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आपको पता है जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, मतलब कोशिका से जल पूरा बाहर आ जाएगा, कोशिका के आकार में कमी हो जाएगी, वो पिचक जाएगी, जिसको जीव द्रव्य कुंचित कोशिका या प्लाज्मोलाइसिड सेल बोलते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता ना कि यदि किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसका आयतन घट जाता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन जस्ट उल्टा आंसर चला जाता, फिर उस कंडीशन में आंसर क्या जाता? उस कंडीशन में आंसर जाता हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। और अगर सांद्रताएं दोनों की बराबर है, इसकी और इसकी सांद्रता जो है वो बराबर, विलयन की सांद्रता और कोशिका की सांद्रता बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम पराशरी विलयन, दैट्स मीन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो ये थर्ड ऑप्शन है। अच्छा, अगर सांद्रता बराबर है ना तो बेटा वाटर बाहर आएगा ना वाटर अंदर जाएगा, मतलब उसके आकार में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है, यदि किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उस विलयन को आप क्या बोलोगे, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, तो आंसर जाता फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट जो क्वेश्चन जेट 2013 के अंदर आया था उसका आंसर था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने पूछा था आयतन बढ़ जाता है, एंड वी नो दैट कि वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब जल अंदर जाएगा। जल कब अंदर जाएगा? जब कोशिका की सांद्रता ज्यादा होगी और विलयन की कम होगी। इसका मतलब आंसर क्या है? यह आंसर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह हमारा पहला क्वेश्चन था जेट 2013 में आया था, जिसमें हमने आंसर दिया हाइपोटोनिक, बिकॉज इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, दैट्स मीन कि कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, दैट्स मीन वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यह हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व है। इन्होंने पूछा है कि प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज तत्व मिलता है। यहां आंसर सीधा सा बेटा आंसर जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ऑलमोस्ट आप जीव द्रव्य जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 60% अप्रोक्स क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 20% समथिंग क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये हमारे जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स वगैरह के अंदर पढ़ते हैं कि 20% अप्रोक्स कार्बन होते हैं, 10% अप्रोक्स हाइड्रोजन होता है, और सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन।
पर एक्चुअल में बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि प्लांट फिजियो के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता ना कि पौधे में सबसे अधिक मात्रा में किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता। मिनरल एलिमेंट अवेलेबल इन मैक्सिमम अमाउंट इन प्लांट, ये तो एक क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल जो है मिलता है, तो आंसर इज ऑक्सीजन, बिकॉज 60% अप्रोक्स होता है। बट अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि सबसे ज्यादा किस मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता और उस कंडीशन में आंसर जाता हमारा नाइट्रोजन। ध्यान रखना नाइट्रोजन आंसर कब देना है, जब ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि पौधों को सबसे अधिक मात्रा में किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा किस मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा आंसर जाता नाइट्रोजन। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर करना था आंसर है ऑक्सीजन, बिकॉज मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला खनिज तत्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया, दोनों की परसेंटेज लिख ली, उस सिचुएशन में क्या आंसर देते वो भी अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है। इसको समझने के लिए पहले देखो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में लेते हैं। राइट, देखो जब आप रूट की स्ट्रक्चर पढ़ते ना, तो याद करो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें जड़ की संरचना पढ़ाई जाती है, रूट की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, इसको रूट कैप, इसको अपन क्या बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप का क्या फंक्शन होता है, जड़ों को धूल वूल के कणों से बचाने का काम होता है इसका। इस मूल के तीन क्षेत्र होते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बेटा विभाजन क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको अपन, विभाजन क्षेत्र, डिविजन एरिया। विभाजन क्षेत्र मतलब कोशिका में, यहां जो कोशिकाएं होती है उनमें लगातार विभाजन चलता है, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन एरिया। इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, मतलब यहां कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। और ये वाला क्षेत्र जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं मैच्यूरेशन एरिया, मतलब परिपक्वन क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, परिपक्वन क्षेत्र, मैच्यूरेशन एरिया, ये मैच्यूरेशन एरिया है, परिपक्वन क्षेत्र है। राइट, और ध्यान रखना यहां पर बहुत सारे मूल रोम होते हैं, रूट हेयर, यहां पर बहुत सारे क्या होते हैं मूल रोम, इनको अपन बोलते हैं मूल रोम, मूल रोम। और आपको पता है कि मूल रोम का काम क्या है, जल या खनिजों का अवशोषण करना है। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखो बेटा, अगर अपन क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा डायग्राम को भी कवर कर लेते हैं। देखो जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इन फॉर्म। अब आपको पता है कि आपके दिमाग में दो आंसर आ रहे होंगे सर, कि एक तो मूल रोम जो है वो होते तो परिपक्वन क्षेत्र में ही है, तो सर दो आंसर है हम यहां, तो कि मूल रोम क्षेत्र भी आंसर लगा सकते हैं, परिपक्वन क्षेत्र भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि मूल रोम कहां होते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, बिकॉज रूट हेयर प्रेजेंट इन मैच्यूरेशन एरिया, तो दोनों आंसर है। तो लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर हमें कौन है, मूल रोम क्षेत्र, बिकॉज मैच्यूरेशन क्षेत्र में तो और दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन मूल रोम क्षेत्र का मुख्य काम ही क्या है, जल का अवशोषण करना। भाई मूल रोम मिलता परिपक्वन क्षेत्र में, बहुत अच्छी बात है, बट अब्सॉर्प्शन तो इसी का काम है ना, तो यहां दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो सही आंसर कौन सा है, मूल रोम क्षेत्र। हाँ, अगर परिपक्वन क्षेत्र नहीं होता तो फिर हमारा मूल रोम क्षेत्र नहीं होता तो फिर हमारा आंसर क्या दे देते, परिपक्वन क्षेत्र दे देते। अगर रूट हेयर रीजन ऑप्शन नहीं होता तो आंसर क्या होता, मैच्यूरेशन रीजन। जैसे भाई हमसे पूछा जाए कि उदयपुर जो है वो किस कहाँ स्थित है, और एक ऑप्शन इंडिया भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन राजस्थान भी दिया हुआ है, तो ज्यादा अच्छा आंसर है राजस्थान। हाँ, राजस्थान इंडिया में है तो इंडिया भी सही आंसर था, बट नियरेस्ट आंसर कौन सा हो गया, राजस्थान। इसलिए हमारा यहाँ आंसर कौन सा है, मूल रोम क्षेत्र, जैसा कि अपने डायग्राम से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसके लिए वाष्पोत्सर्जन में एक चीज याद रखना बेटा, कि प्लांट जितना वाटर अब्सॉर्ब करते हैं ना, मतलब जितना जल अवशोषित करते हैं, उसमें से 99% उनका लॉस हो जाता है, खर्च हो जाता है वाटर, किससे, वाष्प उत्सर्जन से। और इस 99 का 90% मतलब मैक्सिमम इसका भाग जो है, मतलब 90% अप्रोक्स ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, वो किससे होता है, रंध्र से होता है, स्ट्रोमेटा से होता है। स्ट्रोमेटा जो होते हैं बेटा, उससे कितना होता है, 90% वाष्प उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, तो आपको पता है कि 90% वाष्प उत्सर्जन जो है वो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होता है, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन तीन तरह का होता है, रंध्रों के द्वारा तो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, एक होता है उपकला के द्वारा तो उपकला वाला वाष्प उत्सर्जन, एक होता है वातरंध्र से तो वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। वातरंध्रीय 1% अप्रोक्स होता है, ओनली 1%, उपकला ऑलमोस्ट 9% होता है, और ये 90% होता है ऑलमोस्ट, मतलब अपन अप्रोक्स चाह रहे हैं।
अब ये पूछ रहा है कि पौधों में रंध्रीय वाष्पीकरण कब होता है? स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट हैपन इन, आपको पता है जब रंध्र ओपन होंगे, रंध्र खुले होंगे तो वाष्प उत्सर्जन होगा, और अगर सामान्यता बात करें तो रंध्र कब खुलते हैं? केवल दिन में। हाँ, अपवाद अलग चीज है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए थे केम पादप, जिनके अंदर केम चक्र चलता है वो पादप, और केम चक्र किसके अंदर चलता है वो भी आप जानते हैं कि सक्सिलेंट जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, सक्सिलेंट जीरोफाइट का हम हिंदी में अपन इनको बोलते हैं मासल मरुद्भिद। क्या बोलते हैं इनको बेटा? मासल मरुद्भिद जो प्लांट्स हैं, तो मासल मरुद्भिद पादपों में जो रंध्र होते हैं ना वो स्कोटो एक्टिव होते हैं, तमो क्रियाशील रंध्र। इनके अंदर जो रंध्र होते हैं बेटा वो तमो क्रियाशील, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तमो क्रियाशील स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव, स्कोटो मतलब हो गया तम और इसका मतलब हो गया क्रियाशील, जो रात में क्रियाशील होते हैं और दिन में बंद होते हैं। बट वो तो अपवाद है, सामान्यतः रंध्र जो है वो दिन में खुलते हैं और रात को बंद होते हैं, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि रंध्रीय वाष्पीकरण कब होता है? केवल दिन में होता है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को मैं बोलता कि केम पादपों में रंध्र कब खुलते हैं, रंध्र कब ओपन होते हैं, तो आप आंसर देते केवल रात में। लेकिन वो अगर केम प्लांट्स के लिए पूछा जाता तो वो रंध्र खुलने के बारे में पूछा जाता, क्योंकि वो पादप बेटा क्या है? मरुद्भिद है ना, जीरोफाइट को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। तो उनको वाटर बचाना है, वाष्पीकरण में खर्च नहीं करना, इसलिए उनके अंदर जो रंध्र मिलते हैं वो रात को ओपन होने वाले मिलते हैं, नाइट के टाइम ओपन होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है कि केवल दिन में रंध्रीय वाष्पीकरण पाया जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके अंदर रंध्र जो है वो दिन में खुलते हैं और रात को बंद होते हैं। ये हमारा रंध्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट जेट 2013 का क्वेश्चन है, एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है बेटा कि अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना उसके अकॉर्डिंग वन एटीपी के पास 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अगर अपन इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 31.9 किलो जूल एनर्जी होती है। अगर अपन इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 7600 कैलोरी एनर्जी होती है, किलो को कैलोरी में कन्वर्ट करें, राइट? लेकिन एक पुराना कॉन्सेप्ट था बेटा जिसमें वो 180p के अंदर अप्रोक्स 11.2 किलो कैलोरी एनर्जी मानते थे, पुराना कॉन्सेप्ट था। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन कैलोरी निकालेंगे तो बेटा कैलोरी आ जाएगी 11200 कैलोरी, ये आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनमें तो ना तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है ना इसके अकॉर्डिंग आंसर है, तो फिर हमें देखना है नियरेस्ट आंसर। अब अगर आप इस क्योंकि 7600 के नियरेस्ट लोगे तो भी आपका आंसर यही होगा क्योंकि सबसे नियरेस्ट ये पढ़ रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट पे आया था जिसमें एनर्जी ये मानी हुई है, और इसके पास वाला क्वेश्चन कौन सा था? 12,000। इसलिए हमारा आंसर क्या गया? 12,000 आंसर गया कि 12,000 कैलोरी सही आंसर है। लेकिन एग्जैक्टली बात करें ना बेटा तो न्यू कॉन्सेप्ट है कि 180 में 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 31.9 किलो जूल एनर्जी होती है, और उससे अगर कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 7600। तो एक एटीपी अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आप आंसर दोगे 12,000 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये हमारा आंसर एटीपी का गया, राइट? तो एटीपी के बाद नेक्स्ट पे चले अपन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल के विघटन की क्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल के विघटन की क्रिया है। अब अपन सिंपल सी बात है कि पहले तो पाइरूविक अम्ल की विघटन की क्रिया को क्या मानेंगे, तो पहले अपन को ऑक्सीजन का मतलब सॉरी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन या श्वसन जो पद होते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, याद होगा आप लोगों को। ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड होता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद थर्ड नंबर पे होता है क्रैब साइकिल, क्रैब चक्र, और फोर्थ नंबर पे होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये हमारे श्वसन के चार पद होते हैं, राइट बेटा? ये पूछ रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल के विघटन की क्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखो हमारे पास ग्लूकोज होता है, सुनना बेटा, ग्लूकोज ब्रेक होकर बनाता है टू पाइरूविक एसिड, टू पाइरूविक एसिड, और इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, राइट? टू पाइरूविक एसिड फॉर्मड हो गए। अब ये दो पाइरूविक अम्ल को कन्वर्ट कर दिया जाता है दो एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। फिर दो एसिटाइल कोएंजाइम को ब्रेक कर दिया जाता है CO2 और H2O में, और एनर्जी बना दी जाती है, इसको बोलते हैं हम क्रैब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? क्रैब्स साइकिल।
और फिर बाकी ATS अपना काम करती है। एक एक प्रोसेस है ये ग्लाइकोलेशन ग्लूकोज के श्वसन का, रेस्पायरेशन का। अब ये पूछ रहा है कि पाइरूविक अम्ल के विघटन की क्रिया क्या होती है, तो पाइरूविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ है किसके अभिक्रिया द्वारा, लिंक अभिक्रिया। लेकिन क्या आपको यहाँ लिंक अभिक्रिया वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो लिंक अभिक्रिया के बाद कौन सा आंसर है? क्रैब चक्र। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या जाएगा? क्रैब चक्र। क्योंकि पाइरूविक अम्ल पहले एसिटाइल कोएंजाइम में विघटित हो रहा है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ दिया जाता है, मतलब विघटित कर दिया जाता है क्रैब साइकिल के द्वारा। अब अगर यहां लिंक रिएक्शन आंसर होता तो पहला आंसर लिंक रिएक्शन जाता, बट लिंक रिएक्शन नहीं है उस कंडीशन में, अपन उसके जस्ट बाद के रिएक्शन को ले लेंगे, आंसर चला जाएगा क्रैब साइकिल। तो लाइसिस ऑफ पाइरूवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है लिंक रिएक्शन, बट लिंक रिएक्शन यहां अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसके जस्ट नीचे वाले चक्र को ले रहे हैं क्रैब साइकिल। तो करेक्ट आंसर इज क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल यहां पर सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पादप क्या है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब हम अप्रकाश अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अप्रकाश अभिक्रिया को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, C3 चक्र, C4 चक्र और केम चक्र, राइट। C3 चक्र, C4 चक्र एंड केम चक्र हमने एनर्जी ले ली, राइट। अब देखो C3 चक्र जिन पादपों के अंदर चलता है उनको हम बोलते हैं C3 पादप, जैसे ज्यादातर मीजोफाइट आपके आसपास वाले पादप सब C3 पादप है, जिनके अंदर वो चलता है वो है C4 पादप। C4 पादप के कुछ फेमस एग्जाम्पल मैंने बताए लोगों, आपको बताया थे कि गन्ना, शुगर केन, मक्का, सोरगम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लिखाए थे, ग्रेमेनी और साइपेरेसी कुलों से संबंधित बहुत सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल थे। वैसे याद रखना बेटा NCERT के अंदर गन्ना मक्का दे रखा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से आने वाला है। और कैम पादप कौन से, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, मासल मरुद्भिद पादपों को बोलते हैं, जैसे कि ओपेंशिया नागफनी है ना, एगेव, उसके अलावा यूफोर्बिया एंड एटसेट्रा, बहुत सारी ये इनके एग्जाम्पल। हमें क्वेश्चन पूछा है कि C4 पादप कौन है, तो इन सबका आंसर में आपको मिल रहा है मक्का। मैंने कहा था 90% क्वेश्चन मक्का और गन्ने पे ही आते हैं अगर C4 प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो C4 प्लांट इज मेज, शुगर केन, मेज, सोरगम एंड एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो C3 से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ C4 पूछा है तो हमारा आंसर क्या गया? मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, पादप द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आयनों के रूप में, ठोस के रूप में और गैस के रूप में तो कोई खनिज अवशोषित किया जाता ही नहीं। मैक्सिमम या आप क्या बोलोगे, 99% मिनरल्स जो है वो सॉइल के अंदर किसके फॉर्म में होते हैं? आयन के फॉर्म में। जैसे आपको पता होगा कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हो, तो आप नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, याद है ना बेटा, NO3 की फॉर्म में ले लेते हैं, आयन की फॉर्म में ले लेते हैं, ओके। और उसके अलावा कोई भी पूछे फॉस्फोरस को किसके फॉर्म में लेते हो, तो फॉस्फेट को ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ले लेते हैं। तो ज़्यादातर खनिज का अवशोषण किसके रूप में किया जाता है? आयन के रूप में किया जाता है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया था। नेक्स्ट, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण, वही क्वेश्चन दोबारा घूम के आया JET 2014 में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। दोनों ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं, परिपक्वन क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र। मैंने कहा था जब दोनों हो तो आंसर क्या लगाना? मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र नहीं हो तो आंसर क्या लगा सकते हैं? परिपक्वन क्षेत्र। तो जोन ऑफ रूट हेयर सबसे पहले जाएगा, ये नहीं होता तो जोन ऑफ मैचुरेशन दे देते अपन। तो ये क्वेश्चन तो वही रिपीट हुआ 2013 वाला, 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जाता है? बेटा यहाँ पर सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। देखो पत्तियों के गिराने को कौन उत्प्रेरित करता है? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन, दोनों पत्तियों को गिराने का काम करते हैं, क्योंकि दोनों कौन से हार्मोन है? संदमक हार्मोन है। संदमक मतलब जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर का मतलब हो गया कि ये वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि को रोकने के लिए जैसे पत्तियों का गिरना वृद्धि के रुकने में ही आता है, तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन दोनों तो पत्तियों को गिराते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, जिब्रेलिन और आई। जिब्रेलिन का पत्तियों के गिरने और जुड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये तो अंकुरण को देखता है या तने की लंबाई को देखता है या फलों की साइज को बढ़ाने को देखता है। यहाँ पर गिरने को जो रोकता है बेटा वो है IAA, ऑक्सिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सिन बोलते हैं। ऑक्सिन जो है बेटा उसका एक कार्य दिया हुआ है NCERT के अंदर कि अपरिपक्व जो इमैच्योर होता है, अपरिपक्व लीफ व फ्रूट को गिरने से रोकना,
को गिरने से रोकना, मतलब उसको गिरने से रोकना, ये इसका फंक्शन है। तो आंसर हमारा कौन गया बेटा? IAA। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हार्मोन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्सेसिव इथाइलिन दोनों पत्तियों को गिराता है, लेकिन IAA क्या करता है? पत्तियों को गिरने से रोकता है, अपरिपक्व पत्तियों को। परिपक्व को भले वो गिराता है, लेकिन अपरिपक्व पत्तियों और फ्रूट को गिरने से रोकता है। ये हमारा है, इन्होंने कहा कि फॉलिंग ऑफ लीव्स कैन बी स्टॉप्ड विद द यूज ऑफ, आंसर इज ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो उनको एब्सेशन मतलब उसको फॉलिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित पारगम्यता किस क्रिया से संबंधित है? ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सुनो बेटा। विषरण का कोई रिलेशन नहीं है चयनित पारगम्यता से, ऐसा नहीं है कि कौन विषरित हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी जैसे परफ्यूम को आपने रखा, तो परफ्यूम अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चली जाएगी, यहाँ चयनात्मक पारगम्यता का कोई मतलब नहीं। अंतःशोषण से कोई मतलब नहीं है, अगर आप किसी कॉटन को वाटर और शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखते हो तो वो शुगर और सॉल्यूशन दोनों को अब्सॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं कि सेलेक्ट करके किसी को अब्सॉर्ब करेगा। सांद्रण का तो कोई मतलब है ही नहीं, कोशिका की सांद्रता और पारगम्यता का कोई रिलेशन नहीं। बचा परासरण, लेकिन एक्चुअल में बेटा परासरण भी किससे रिलेटेड है? ये चयनित पारगम्यता से रिलेटेड नहीं, ये अर्ध पारगम्यता से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? अर्ध पारगम्यता से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जब दो सॉल्यूशन को अलग किया जाता है, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक की कम है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। और ये जो झिल्ली बीच में मैं रखता हूँ, ये सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल। तो देखा जाए तो चारों ऑप्शन में चयनित पारगम्यता से रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी अपन सबसे बेटर आंसर देखें तो आंसर क्या है? परासरण। वैसे परासरण अर्ध पारगम्यता से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इन सिचुएशन में बेस्ट जो हमें मिल रहा है वो परासरण मिल रहा है, क्योंकि विषरण और अंतःशोषण तो किसी पारगम्यता से संबंधित है ही नहीं। तो यहाँ पर जो अर्ध पारगम्यता से संबंधित क्वेश्चन है वो हमारा सबसे अच्छा आंसर जो है वो परासरण जाएगा। परासरण में मैंने फिर कहा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन को देखते हुए सबसे बेटर आंसर कौन सा? हमारा अर्ध पारगम्यता वाला सबसे बेटर आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का केवल हरा भाग ही जो है वो किस में भाग लेता है? मतलब इन द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक पार्ट इन। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। श्वसन प्लांट्स की सब कोशिकाओं में होता है, जरूरी नहीं है कि हरे पादप में या हरी भाग में ही हो, तो श्वसन तो आंसर होगा नहीं, परासरण भी आंसर नहीं होगा, परासरण का हरे से कोई रिलेशन नहीं है। वाष्पोत्सर्जन भी तने से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, लीफ से भी होता है, तो हरे से और बिना हरे दोनों से वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी चीज है जो केवल कौन से भागों में होगी? हरे भागों में, बिकॉज आपको पता है कि हरे भाग क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? केवल हरे भाग में। इसलिए कहा हमने कि केवल हरा भाग ही इन्होंने पूछा है। तो श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और परासरण तो हरा भाग हो या पादप के कोई दूसरे भाग हो, उन सब में पाया जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल हरे भाग से संबंधित होता है। ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन था बेटा, इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये तो कि हमें सबको पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की लाइट फेज, रोशनी चरण का मतलब है प्रकाशीय अभिक्रिया। किसकी बात कर रहा है? प्रकाशीय अभिक्रिया की बात कर रहा है। हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में दो पद होते हैं, प्रकाशीय और एक होता है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय। याद होगा आपको, अप्रकाशीय को आपने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, C3 चक्र, एक होता है C4 चक्र और एक होता है KM चक्र। और ये सबके सब एंजाइमेटिक अभिक्रिया है, मतलब किसकी सहायता से पूरे होने वाली प्रक्रिया है? एंजाइम की सहायता से, एंजाइमेटिक अभिक्रिया। C3 का भी अपना एंजाइम होता है, C4 का भी अपना एंजाइम होता है, और KM का भी अपना एक एंजाइम होता है। तो ये एंजाइमों से चलने वाली प्रक्रिया है, राइट बेटा? उसके बाद अपन बात करते हैं अब इस क्वेश्चन पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया प्रभावित नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रोशनी मतलब लाइट, प्रकाश के बिना तो प्रकाशीय अभिक्रिया का आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, कि जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित किया जाता है, लाइट को अब्सॉर्ब किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर, एनर्जी के अंदर। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसके द्वारा? पिगमेंट के द्वारा, वर्णक के द्वारा ऐसा किया जाता है। मतलब यहाँ एंजाइम नहीं होते, यहाँ वर्णक होते हैं। तो प्रकाश तो बहुत जरूरी, क्योंकि प्रकाश ही नहीं होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा बेटा वाटर, H2O। तो जब अपन प्रकाश से एटीपी बना रहे होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पीएस सेकंड जो वर्णक होते हैं, ये पूरा आपको पता होगा,
पीएस फर्स्ट वर्णक पीएस सेकंड वर्णक होते हैं। जब प्रकाश अभिक्रिया में पीएस सेकंड वर्णक भाग लेता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हानि होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करने का काम कौन करता है? H2O। H2O अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? पीएस सेकंड को, ताकि पीएस सेकंड अपना काम करता रहे। तो जल भी चाहिए, अगर जल नहीं होगा ना तो पीएस सेकंड के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और पीएस सेकंड वर्णक नहीं होगा। पीएस सेकंड कौन है? वर्णक। तो ये अभिक्रिया नहीं चलेगी, मतलब ये भी चाहिए और ये तो चाहिए, दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। और आपको पता है कि तापमान और क्लोरोफिल हरित लवक, तो आपको पता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों के दोनों वर्णक कहाँ मिलते हैं? हरित लवक में। क्लोरोफिल क्या है? वर्णक है, तो वर्णक तो चाहिए, वर्णक नहीं होंगे तो अभिक्रिया होगी कैसी? मतलब ये भी हमें चाहिए। अब बचा टेम्परेचर, तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या इस पर इफेक्ट नहीं होगा? होगा, बट वो उच्च तापमान से होगा। जैसे कि तापमान अपन ने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मली, अगर मैं इसमें 10 डिग्री बढ़ा दूँ और इसको 40 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा एंजाइम पर। उच्च तापमान की वजह से एंजाइम विकृत हो जाते हैं, और एंजाइम अगर विकृत होगी तो कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। 10 डिग्री तापमान बढ़ाने से वर्णकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह अभिक्रिया अपनी तरह से चलती रहेगी। हाँ, लेकिन अगर अपन 40 डिग्री से बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस कर दें तो फिर उच्च तापमान की वजह से वर्णक भी नष्ट हो जाएंगे और प्रक्रिया बंद हो जाएगी। बट इनमें अगर कंपेयर करें तो तापमान ऐसा है जिसमें सामान्यतः थोड़ी बहुत वृद्धि होने से प्रकाशीय अभिक्रिया पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर कौन सा सही है हमारा? आंसर सही है कि तापमान जो है वो उस हमारे इस अभिक्रिया को इफेक्ट नहीं करता। टेम्परेचर जो है वो उससे बेसिकली जो है या नॉर्मली जो है वो अनइफेक्टेड होता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट्स मीन लाइट कन्वर्ट इन एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स, राइट? तो आपने कहा कि विच फैक्टर जो है वो नॉट अफेक्टिंग है फॉर द लाइट रिएक्शन, तो आपने कहा कि लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस तो नीड है। वाटर, एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन पीएस सेकंड पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस को रिस्टोर करने के लिए हमें H2O की नीड होती है। तो अगर H2O नहीं होगा ना तो कुछ टाइम के बाद पीएस सेकंड नहीं होगा, पीएस सेकंड नहीं होगा तो ये रिएक्शन चलेगी नहीं। फिर हमारे पास टेम्परेचर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट और पिगमेंट तो एसेंशियल है यहाँ पर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर को अगर हम जनरली थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना तो उतना इफेक्टेड नहीं होती रिएक्शन, लेकिन हाँ ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इफेक्टेड हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा जो आंसर है वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? ये तो बिल्कुल रटने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा कि गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए है, मेन सोर्स है और ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं। तो ये तो अपना जो है मेन आंसर हो गया इसमें, तो अपन को ये एक्चुअली क्या विटामिन वाले क्वेश्चन रटने वाले क्वेश्चन है। उनका रासायनिक नाम, जैसे आपको पता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। तो ये रेटिनॉल करके भी आ सकता था कि रेटिनॉल किसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, तो भी हमारा आंसर दे सकते थे गाजर। ओके, एक्चुअली क्या होता है बेटा, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीनोइड बहुत मिलता है, बीटा कैरोटीनोइड एक पिगमेंट है, और बीटा कैरोटीनोइड जो है ना वो प्रो विटामिन ए बोलते हैं इसको, प्रो विटामिन ए, बिकॉज प्रो विटामिन ए इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आगे जाके विटामिन ए बनाता है, इसलिए इसको प्रो विटामिन ए बोलते हैं, बीटा कैरोटीनोइड। बीटा कैरोटीनोइड जो आगे जाके रेटिनॉल बना लेगा, आई मीन विटामिन ए बना लेगा, तो आंसर हो गया गाजर। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पूर्ण स्पीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न में से सत्य है, इसको अपन को बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, इसको मैंने थोड़ा साइड में लिया बेटा। देखो डीपीडी क्या होता है, तो डीपीडी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने, ओपी माइनस टीपी, ये डीपीडी का फॉर्मूला है। और कोशिका दी हुई पूर्ण स्पीत कोशिका, राइट, वन मिनट, एक मिनट बेटा, अब दिख रहा है आप लोगों को, राइट। तो डीपीडी फॉर्मूला ओपी टीपी, और पूर्ण स्पीत कोशिका का टीपी, टीपी किसके लिए बोल बात कर रहा हूं, पूर्ण स्पीत कोशिका मतलब किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, फुली टारगेट सेल के लिए। तो पूर्ण स्पीत जो हमारी कोशिका है बेटा, उसके लिए टीपी की वैल्यू होती है ओपी के बराबर, इक्वल टू ओपी, टीपी इज इक्वल टू ओपी होता है। अब फॉर्मूले में जैसे आप पुट करोगे ना कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी की जगह आप ओपी रख दो तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए आपको डीपीडी आना चाहिए, तो ये डीपीडी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो हम आंसर क्या दे देंगे कि डीपीडी इज जीरो। आपको इसके लिए टीपी की वैल्यू पता होना चाहिए। देखो तीन टाइप की सेल्स होती है हमारे पास, एक होती है पूर्ण स्पीत कोशिका,
जो कि अभी अपन पढ़ ही रहे पूर्ण स्पीड से। एक होती बेटा सलत कोशिका, नॉर्मल कोशिका, और एक होती जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, प्लाज्मोलाइसिस से जीव द्रव्य कुंचित सेल। तो तीन टाइप की सेल्स हो गई, पूर्ण स्पीड टारगेट सेल, सलत कोशिका फ्लैजिड सेल, एंड जीव द्रव्य कुंचित कोशिका प्लाज्मोलाइसिस सेल। इसके लिए टीपी की वैल्यू आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ओपी के बराबर होती है। सलत कोशिका के लिए टीपी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर अपन को ये तीन चीज पता है तो आप इस पेपर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इजीली हमारा आंसर आगे क्या डीपीडी जो है वो किसके इक्वल हो गया, जीरो। आंसर इज कि डीपीडी जो है वो जीरो है, ये हमारा आंसर है, डीपीडी जीरो हमने सॉल्व करके बता दिया। तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एंजाइम शब्द किसने दिया, रटना है बेटा। देखो तीन साइंटिस्ट के लिए बात करता हूँ। अगर हम खोज की बात करें कि एंजाइम की खोज किसने की, तो एंजाइम की खोज का क्रेडिट जाता है बकनर को। बकनर ने जाइमेज एंजाइम था उसको खोजा था। लेकिन एंजाइम शब्द किसने दिया, तो फिर हमारा आंसर चलता है कुहने। किसने दिया बेटा, कुहने ने दिया। और एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसने किया, फर्स्ट एंजाइम जिसका क्रिस्टलीकरण हुआ, फर्स्ट क्रिस्टलीकृत एंजाइम, फर्स्ट क्रिस्टलीकृत एंजाइम, फर्स्ट क्रिस्टलीकृत एंजाइम के लिए पूछा जाए तो वो एंजाइम है बेटा यूरिएज। और ये काम किया था किसने, समनर ने। तो ये तीनों साइंटिस्ट के लिए, समनर ये तो क्रिस्टलीकरण से रिलेटेड है, पाश्चर का यहां कोई रिलेशन नहीं, नॉर्थरोप का कोई रिलेशन नहीं, कुहाने ने शब्द दिया था। तो ये तो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूकेरियोट कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक टीसीए चक्र कहां होता है। सुनो पहले, एक नाम मैंने आप लोगों को बताया था, एक नाम बताया था मैंने बेटा क्रैब साइकिल, याद होगा आप लोगों को, क्रैब चक्र, क्रैब चक्र। इस क्रैब चक्र के तीन नाम होते हैं, एक इसको बोलता है बेटा सिट्रिक अम्ल चक्र, इसको क्या बोला जाता है, सिट्रिक अम्ल चक्र, इसको एक बोला जाता है सिट्रिक अम्ल चक्र, और इसी को बोला जाता है अलग से, अगर अपन बात करें एक मिनट बेटा, क्रैब साइकिल, इसका पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनता है, सो इट्स कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। और सिट्रिक एसिड के अंदर थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, सो इट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है टीसीए साइकिल, इसको अपन टीसीए बोलते हैं। तो वही नाम आया है, एक्चुअली क्रैब चक्र के ही तीन नाम है। क्रैब नामक वैज्ञानिक ने इसको समझाया, क्रैब साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया, सो इट्स कॉल्ड क्रैब साइकिल। इसका पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनता है, सो इट्स कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक अम्ल में तीन कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब टीसी साइकिल। और आपको पता है क्रैब साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। तो आंसर क्या चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और क्रैब चक्र कहाँ चलता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहाँ आंसर जाएगा, वो उसी नाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कहा कि ना C3 पादप, C4 पादप एंड केम प्लांट, तीन तरह के पादप। C3 पादप के अंदर बेटा जो मेन एंजाइम होता है वो है रूबिस्को, रूबिस्को लिखवाया आपको। और C4 और केम पादप के अंदर जो एंजाइम है बेटा वो है पेपकेस, पेप कार्बोक्सिलेस, या शॉर्ट में हम लिखते हैं पेपकेस, राइट। अब आप देख लो आपके सामने लिखा हुआ है पेप कार्बोक्सिलेस, दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ C4 प्लांट। तो हमारा आंसर चला गया पेपकेस। ये C4 और केम दोनों का मेन एंजाइम है, और C3 का मेन एंजाइम होता है रूबिस्को, तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं पेपकेस, राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है। सुनो बेटा, ऑक्सीजन की दो फॉर्म होती है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, राइट। प्राकृतिक में हम किसको रखते हैं, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड को। कृत्रिम में हम किसको रखते हैं, IBA, NAA, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड,
2,4-D मतलब 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-5-T, 2,4-5-trichlorophenoxyacetic acid. तो ये सब आर्टिफिशियल है और ये सब नेचुरल है, राइट. अब आप इसमें देखोगे तो आपको ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. ये 2,4-5-chloro तो ये वाला रहा कृत्रिम में. ये नेप्थलिक एसिटिक एसिड NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड. और ये 2,4-dichloro मतलब ये तीनों के तीनों कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, और ये हमारा नेचुरल है. तो आंसर चला गया इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन बेटा. फाइटोक्रोम अवशोषित करता है. देखो इस स्टेप, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा फाइटोक्रोम को, क्योंकि इस पे 2-3 बार जेट में क्वेश्चन आए हुए हैं. सुनो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पिगमेंट होता है जो स्पेशल है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं बेटा क्या, फाइटोक्रोम. ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये दो कामों से रिलेटेड होता है. एक ये रिलेटेड होता है फ्लॉरिंग से, आई मीन पुष्पन से, और एक रिलेटेड होता है बीज अंकुरण से, सीड जर्मिनेशन से. एकमात्र एक सिंगल फाइट पिगमेंट है जो दोनों फंक्शन करता है, फ्लॉरिंग एंड सीड जर्मिनेशन. ये दोनों काम जो है वो ये करता है, राइट. तो फाइटोक्रोम पिगमेंट दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक रिलेटेड है फ्लॉरिंग से और एक रिलेटेड है ये सीड जर्मिनेशन से, राइट. फाइटोक्रोम बेटा इसकी दो फॉर्म होती है, इसके दो रूप होते हैं. एक होता है PR, इसको फाइटोक्रोम रेड. एक होता है PFR, फाइटोक्रोम फॉर रेड. ये फाइटोक्रोम रेड, ये फाइटोक्रोम फॉर रेड, दोनों किसके फॉर्म है, फाइटोक्रोम वर्णक की फॉर्म है. ठीक है, ये इसका निष्क्रिय रूप होता है. कौन सा रूप होता है, निष्क्रिय. अभी एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर एक पेपर, अभी एक क्वेश्चन इस पे आएगा. ये निष्क्रिय रूप है और ये इसका एक्टिव रूप होता है, ये इसका सक्रिय रूप होता है. तो निष्क्रिय और सक्रिय दो रूपों पर बात कर ली. ये अवशोषित करता है रेड लाइट को, लाल प्रकाश को, और ये करता है फॉर रेड को, सुदूर लाल प्रकाश को, सुदूर लाल फॉर रेड, फॉर रेड लाइट, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सुदूर लाल प्रकाश. देखो आपको मिल जाएगा ये रहा लाल और सुदूर लाल. तो इसका मतलब हो गया कि फाइटोक्रोम का एक रूप तो किसको कहा, लाल मतलब रेड को कर रहा है, और एक इंफ्रा रेड या फॉर रेड, इंफ्रा रेड भी अपन बोल देते हैं इसको, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को सुदूर लाल बोला जाता है हिंदी में. तो आंसर गया रेड एंड फॉररेड या इंफ्रारेड, और आंसर चला गया ये. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था. आगे भी इस पे क्वेश्चन आया है तो मैं बता दूंगा, ये निष्क्रिय रूप है, ये रेड को अवशोषित करता है, ये सक्रिय रूप है, ये इंफ्रारेड मतलब सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है. तो हमारा यहां तो आंसर हो गया, आगे एक क्वेश्चन और आएगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा. देखो ये निम्न में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल, मैंने कहा था विटामिन के जो नाम है वो रटने, विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन डी कैल्सिफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन डी जिसको विटामिन के जिसको हम बोलते हैं नेफ्थाक्विनोन या क्लोरोक्विनोन, B1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियोसिनिक एसिड, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 इज कॉल्ड फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्टामिन, एंड विटामिन सी नॉन एज एस्कॉर्बिक अम्ल. तो आंसर इज एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी. ये सीधा क्वेश्चन है, रटना पड़ते हैं क्योंकि नाम हमें याद होना चाहिए. नेक्स्ट, एंजाइम क्रिया का प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसने दिया. इस पर 2 बार क्वेश्चन आया बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. एक्चुअली आपको इसके लिए थोड़ा एंजाइम के पास जाना पड़ेगा. देखो एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 सिद्धांत है. एक आया लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी मतलब ताला चाबी सिद्धांत, एक सिद्धांत आया. ये सिद्धांत किसने दिया बेटा, ये सिद्धांत दिया फिशर ने. ये क्वेश्चन आया भी हुआ है तो ध्यान रखना कि ये सिद्धांत फिशर ने दिया था. उसके बाद जो सिद्धांत आया वो आया बेटा प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस फिट थ्योरी जिसको आपने कहा कि प्रेरित. सेकंड कौन है, ये लॉक एंड की थ्योरी बेटा. इसको एक है हमारे पास प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस फिट थ्योरी. ये प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया था एक साइंटिस्ट कॉसलैंड ने. किसने दिया बेटा, कॉसलैंड. इसके बाद जो वैलिड और जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है वो सिद्धांत आया एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स थ्योरी. इसका अगर इंग्लिश में लिखे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी. और ये किसने दी, एक साइंटिस्ट हेनरी ने दी. किसने दी बेटा, हेनरी. ये 3 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस और मिलेंगे. तो यहां से पूछा कि एंजाइम क्रिया का प्रेरित आसंजन सिद्धांत मतलब इंड्यूस फिट थ्योरी, तो सीधा सा आंसर देना है कॉसलैंड. ये किसने दिया, कॉसलैंड ने दिया, मतलब हम इसको बता सकते हैं. ये सिद्धांत किसने दिया बेटा, कॉसलैंड. ये हमारा आंसर है कॉसलैंड.
यहां से हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप कार्बोक्सिलेज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे थे पेपकेज, पेपकेज किन का मुख्य था, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सी फोर पादप और केम पादपों में पेपकेज होता है और सी थ्री प्लांट के अंदर रूबिस्को होता है। इनका मुख्य एंजाइम कौन है? रूबिस्को। मुख्य एंजाइम के लिए पूछा है तो आंसर क्या चला गया? सी फोर और केम पादप, क्योंकि पेपकेज के लिए पूछा है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस का एलोस्टेरिक एंजाइम है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, देखो डिटेल वाला क्यों मानता है सुनना। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल अभिक्रिया होती है 10। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये कन्वर्ट करने का काम करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ये काम इसको कन्वर्ट करने का काम करता है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है बेटा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर, और ये काम कौन करता है? फॉस्फो, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम, राइट। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या ब्रेक कर दिया जाता है पीजीएल के अंदर, 2-PGL के अंदर, और ये काम कौन करता है? एक एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम। इस तरह से टोटल 10 अभिक्रियाएं चलती है और फिर बनता है 2-Pyruvic एसिड, ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है। इसमें ध्यान रखना बेटा, दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम, इन दोनों को बोला जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या बोला जाता है? एलोस्टेरिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इनको बोलते हैं हम कौन सा एंजाइम? एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या मतलब होता है एलोस्टेरिक एंजाइम? कि एंजाइम जो होता है उसके पास अभिकारक से जुड़ने के लिए एक स्थल पाया जाता है, इस कॉल्ड एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। क्या बोला अपन ने इसको बेटा? सक्रिय स्थल, राइट। लेकिन कुछ एंजाइमों के पास सक्रिय स्थल के अलावा भी एक स्थल होता है जिससे जनरली दूसरे रसायन जुड़ते हैं, अदर केमिकल के लिए, अदर केमिकल। तो अदर केमिकल यहां अटैच्ड होते हैं, अदर केमिकल में जनरली जो है वो संदमक होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। लेकिन ऐसे एंजाइम जिनके पास एक्टिव साइट्स के अलावा एक दूसरी साइट्स भी होती है, उन्हीं को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, क्योंकि इस साइट का नाम एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट। काफी डिटेल वाला क्वेश्चन था ये, एलोस्टेरिक साइट। और ऐसे एंजाइम जिनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है उनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो क्वेश्चन पूछा है कि एलोस्टेरिक एंजाइम कौन है, विच इज द एलोस्टेरिक एंजाइम? आंसर इज हेक्सोकाइनेज, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में दो एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। लेकिन यहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज तो आंसर में दिया नहीं, ऑप्शन में सॉरी, तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज ही हमारा एक ऑप्शन मिलता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम कौन सा गया? हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते बेटा, कौन सा आर्गन पादपों में त्रिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स? सुनो, इसका आंसर है इथाइलिन, C2H4। क्या करता है इथाइलिन? इथाइलिन तने पर तीन प्रभाव दर्शाता है, स्पेशली किस पर काम करता है? तने पर। एक तो इसकी लंबाई को रोकने का काम करेगा, लंबाई को रोक दिया। उसके अलावा इसकी मोटाई को बढ़ाएगा, विड्थ, इसकी विड्थ होती है बेटा, इसकी जो मोटाई होती है उसको बढ़ाता है। और एक इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से मतलब है क्षैतिज वृद्धि, क्षैतिज वृद्धि को, जैसे जमीन पे इस तरह से जो वृद्धि होती है उसको हम क्षैतिज वृद्धि बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, उसको बढ़ाएगा। तो क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना, विड्थ मतलब चौड़ाई को बढ़ाना और लंबाई को कम करना, तीन तीन प्रभाव दर्शा रहा है, इसी को बोलते हैं त्रिक प्रतिक्रिया, त्रिक प्रभाव, और आंसर गया इथाइलिन। तो ये याद रखना है कि ट्रिपल रेस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आंसर जाता है हमारा इथाइलिन, लंबाई को कम करना, चौड़ाई को बढ़ाना और क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना, मतलब दो चीजों को बढ़ाना और एक को कम करना, तने के अंदर होता है, इसको अपन बोलते हैं त्रिक रेस्पॉन्स, ट्रिपल रेस्पॉन्स, और आंसर इज इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल प्रकाश अवशोषित किया जाता है, आ गया ना बेटा, मैंने कहा था ना कि फाइटोक्रोम के दो रूप है PR एंड PFR, मैंने ये भी कहा था ये निष्क्रिय होता है और ये सक्रिय होता है, याद आया ना सबको, और मैंने ये कहा था कि ये किसको अवशोषित करता है? लाल को। तो इन्होंने पूछा कि लाल प्रकाश कौन अवशोषित करता है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो फाइटोक्रोम का निष्क्रिय रूप, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। पीआर क्या था? निष्क्रिय था, और ये किसको अब्सॉर्ब करता था? रेड लाइट को। वो किसको करता था? फॉरेड को, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। तो हमारा आंसर है फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा। नेक्स्ट,
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, अभी मैंने ग्लाइकोलाइसिस बनाया था और बताया था कि लास्ट में पाइरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज जो हमारा होता है वो लगभग 10 अभिक्रियाओं द्वारा टूटकर 2 पाइरुविक एसिड बनाता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, ये ग्लाइकोलाइसिस है। आंसर कौन गया? पाइरुविक एसिड, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हैं, हर एग्रीकल्चर वाला बच्चा जानता होगा इथाइलीन, एक एक जो हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में मार्केट के अंदर मिलता है जिसको हम बोलते हैं इथेफोन। क्या बोलते हैं बेटा? इथेफोन। इथेफोन का उपयोग किया जाता है। इथेफोन का रासायनिक नाम या रासायनिक संगठन होता है सीपा। सीपा का मतलब है क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। सी मतलब क्लोरो, ई मतलब इथाइल, पी मतलब फॉस्फोनिक एसिड। क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड ये केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है इथेफोन का। इथेफोन का यूज किया जाता है इथाइलीन के रिलीज होने में, और इथाइलीन रिलीज होगी तो फलों को पकाएंगे। मतलब फलों को पकाने के लिए जिस केमिकल का आप यूज करते हो उसको इथेफोन बोलते हैं मार्केट लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में, और एक्चुअली उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है तो उसको हम बोलते हैं सीपा। तो ये हमारा आंसर हो गया इथाइलीन। सब बच्चे जानते हैं इसको, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर का हर बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं। रसारोहण का ससंजन तनाव या खिंचाव बल प्रतिपादित किया। बेटा देखो यहां पर पृष्ठले जो है, ये पृष्ठले बेटा, पृष्ठले देखो, पृष्ठले का जो सिद्धांत था उसको अपन बोलते हैं, क्योंकि पृष्ठले ने ऑक्सीजन की खोज की, उसके अलावा उनका जो सिद्धांत था उसको हम बेलजार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार प्रयोग किया था इन्होंने, और पृष्ठले ने तो समझाया था कि एक तो ऑक्सीजन की खोज की, और इन्होंने बताया कि पादप जो है अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। मतलब रसारोहण सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है इनका। एक्चुअली सिद्धांत बोलता क्या है पहले तो समझो, कि तने में जल जो है वो जड़ से पत्ती तक चला जाता है, 100 मीटर, 120 मीटर, 80 मीटर, 60 मीटर, इतनी बड़ी बड़ी हाइट तक चला जाता है। तो उसको समझाने के लिए डिक्सन और जॉली ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं रसारोहण ससंजन सिद्धांत। उसमें इन्होंने क्या कहा कि तीन तरह के बल मिलकर जल को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। एक तो वाष्पोत्सर्जन बल, वाष्पोत्सर्जन तो खींचता है। ससंजन, ससंजन क्या होता है कि जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है ना उसको बोलते हैं ससंजन। और आसंजन क्या है कि जल सतह से जो आकर्षण रखता है। तीन बल बताए मैंने, वाष्पोत्सर्जन बल जल को खींचता है, ससंजन जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है, और आसंजन जल का किसी सतह से जो आकर्षण होता है। ये तीनों चीजें मिलकर जल को ऊपर की तरफ ले जाती है। ये सिद्धांत है रसारोहण ससंजन सिद्धांत, कोइजन टेंशन थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंटोपसेन। वैसे तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कोइजन पुल थ्योरी, और ये दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोहेम का जो सिद्धांत था वो तो कैपिलरी थ्योरी थी, केशी के सिद्धांत, ये भी हमारा ये सिद्धांत। जेसी बोस ने जो सिद्धांत दिया वो था स्पंदनवाद सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी। तो स्पंदनवाद सिद्धांत था इनका, इनका सिद्धांत स्पंदनवाद, इनका केशी है कैपिलरी, पृष्ठले का बेलजार, और ये जो ससंजन सिद्धांत दिया वो डिक्सन और जॉली ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की आवश्यकता होती है। आपको पता है विटामिन के का जनरली हम जो नाम लिखते हैं वो नेफ्थाक्विनोन या क्लोरोक्विनोन, क्विनोन वर्ड होना चाहिए पीछे, ये ध्यान रखना। और विटामिन के क्या होता है बेटा? विटामिन के एक प्रोटीन का निर्माण के लिए जरूरी होता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और आपको पता होगा बेटा प्रोथ्रोम्बिन ही आगे जाके किस में बदलता है? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन प्रोटीन सक्रिय होकर रक्त का थक्का बनाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन सक्रिय हो जाती है और क्या बनाती है? थक्का। तो थक्का बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन का होना जरूरी है, और प्रोथ्रोम्बिन के लिए के जरूरी है। ये देखो रुधिर स्कंदन मतलब थक्का के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में काम आता है। कैल्शियम उपापचय श्वसन कार्बोहाइड्रेट से रिलेशन नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा जो आगे जाके थक्का बनाएगा, उसके अंदर यूज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए यूज करते हैं पोटोमीटर का मतलब गेनोंग्स पोटोमीटर का। एक गेनोंग्स मीटर भी होता है बेटा, सुनना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक गेनोंग्स मीटर और होता है। ये गेनोंग्स मीटर का यूज करते हैं आरक्यू के मापन में, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। लेकिन पोटोमीटर वर्ड कहीं आ रहा है ना तो वाष्पोत्सर्जन की दर से रिलेटेड है। पृष्ठतनाव मापी है तो जो है आलू सभी परासन, तो ये नहीं, हमारा आंसर है गेनोंग्स पोटोमीटर। पोटोमीटर का यूज करते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने में, तो एक तो ये चीज याद रखना बेटा। नेक्स्ट C4 चक्र का प्रथम उत्पाद। देखो C4 चक्र नाम क्यों पड़ा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बेटा? देखो C4 चक्र क्या होता है कि आपको पता है C4 चक्र दो कोशिकाओं में चलता है। दो कोशिकाएं कौन सी है? तो आपको यह भी पता है कि एक कोशिका होती है सर मीजोफिल कोशिका,
मीजोफिल कोशिका, राइट। और दूसरी सेल जो होती है वो बंडल सीट कोशिका, पुलाशय कोशिका। आपको ये भी पता होगा कि इनमें तीन कार्बन का एक पेप होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। कितने कार्बन का? तीन कार्बन का। बाहर से ये किसको पकड़ता है? CO2 को, और कन्वर्ट कर देता है किसमें? OAA, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? चार कार्बन। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड यहाँ चला जाता है और ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? एक तो पाइरूविक एसिड, मतलब पाइरूविक अम्ल में, पाइरूविक एसिड के अंदर, और एक CO2 बनाता है। फिर CO2 को आगे RUVP कैच करता है। लेकिन पहला उत्पाद कौन है? OAA। कितने कार्बन का? फोर कार्बन का। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? C4 साइकिल या C4 चक्र। इसको C4 चक्र क्यों बोला जाता है? कि पहला उत्पाद चार कार्बन का OAA बनता है। अब इन्होंने पूछा कि C4 का प्रथम उत्पाद कौन है, तो देख लो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ये रहा OAA, तो सीधा सा आंसर गया, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहला उत्पाद OAA फोर कार्बन का, इसलिए अपन इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर चला गया हमारा कौन? OAA, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड हमारा मेन आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थित करने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इसका सहकारक कोफैक्टर होता है बेटा मॉलिब्डेनम। तो अब मॉलिब्डेनम से रिलेटेड हम आंसर देख लेते हैं कि ये दो ऑप्शन हमारे पास है। कॉपर का इससे रिलेशन नहीं है। इसके अंदर जो मेन नाइट्रोजनस एंजाइम के अंदर कंपोजिशन के बेसिस पे जो होता है वो आयरन होता है। अभी क्या है बेटा? मिनरल्स है, इनको अपन को रटना पड़ता है, क्योंकि हर एंजाइम का कोई ना कोई सहकारक होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, साइटोक्रोम, अगर कहीं लिखा हो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, तो इस एंजाइम का सहकारक कौन है? तो इसका सहकारक है बेटा आयरन प्लस कॉपर, दोनों इसका सहकारक, साइटोक्रोम का, सॉरी आयरन प्लस कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अगर मैं कहीं बोलूं बेटा कि एल्कोहलिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम का कौन है, एल्कोहलिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो एल्कोहलिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम का है जिंक। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आयरन कॉपर दोनों होते हैं, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए पूछा जाए जिंक। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बेटा टायरोसिनेज के लिए पूछा जाए, टायरोसिनेज इसका सहकारक कौन है, तो आप आंसर दे देंगे कॉपर, ओके। वैसे ही नाइट्रोजिनेज के लिए पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? मॉलिब्डेनम। हर एक एंजाइम का कोई ना कोई सहकारक होता है। तो ये क्या रटने वाला क्वेश्चन था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम से रिलेटेड बात है, मतलब मॉलिब्डेनम। हाँ, मॉलिब्डेनम में ये दो आपको ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजिनेज के साथ कॉपर का कोई रिलेशन नहीं होता। नाइट्रोजिनेज के साथ जो इसके कंपोजिशन, इसके संगठन में उपलब्ध रहता है, वो होता आयरन। तो मॉलिब्डेनम और आयरन यहाँ पर सही आंसर हमारा गया। मॉलिब्डेनम और आयरन जो है वो इसके मेन रूप से इससे जुड़ा हुआ है, इसकी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक पौधे को CO2 के परिवेशी स्तर की तुलना में उच्च स्तर का प्रभाव डालने पर यह प्रकाश संश्लेषण के उच्चतम दर को दर्शाता है, लेकिन प्रकाश के बढ़ने पर ऐसा नहीं होता, क्यों? सिंपल सी बात है, इसको अपन किस तरह सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि आपके पास दो फैक्टर है, CO2 एक फैक्टर है और एक लाइट एक फैक्टर है, लाइट एक फैक्टर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब आप CO2 को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, लेकिन जब आपने लाइट को बढ़ाया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया। हाँ, मैं आंसर आपको बताता हूँ, यहाँ CO2 एक सीमाकारी कारक है इसलिए ऐसा हो रहा है, प्रकाश नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन ये होता क्या है? तो देखो, जो ब्लैकमैन साहब थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ब्लैकमैन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया सीमाकारी कारक नियम। क्या क्या दिया बेटा? सीमाकारी कारक नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उन्होंने क्या कहा, सुनना बेटा, सीमाकारी कारक नियम क्या है, कि अगर एक अभिक्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित कर रहे हैं, इफ ए रिएक्शन इफेक्टेड बाई मेनी फैक्टर, तो उन्होंने कहा कि यदि एक अभिक्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित कर रहे हैं तो उसकी दर पर उस कारक का प्रभाव पड़ेगा जो कम मात्रा में होता है, और उस कारक को हम सीमाकारी कारक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक अभिक्रिया है जिसको चार फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, ए बी सी और डी, लेकिन सबसे कम मात्रा में बी, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन डिसाइड करेगा? बी डिसाइड करेगा, और इसको सीमाकारी कारक बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कि CO2 को चेंज करने पर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट लाइट को चेंज करने से क्यों नहीं पड़ रहा? तो हमारे पास सीधा सा आंसर है, क्योंकि यहाँ CO2 सबसे कम है,
CO2 एक सीमाकारी कारक है, अगर उसमें चेंज करेंगे तो ही उस पर इफेक्ट होगा। तो सीमाकारी कारक नियम था, मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैकमैन क्या बोलता है कि इफ ए रिएक्शन इफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंड ऑन ए फैक्टर विच फाउंड इन मिनिमम अमाउंट। जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसी पर डिपेंड करेगा, और उस फैक्टर को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक। तो ऑप्शन कौन सा है कि CO2 इज ए लिमिटिंग फैक्टर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। यहाँ प्रकाश एक सीमाकारी कारक होता तो फिर लाइट से चेंज होती, बट उससे तो चेंज नहीं हो रही, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, दोनों भी नहीं हो सकते, अदरवाइज दोनों से चेंज होती। प्रकाश बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का अवरोधन हुआ, नहीं भाई, प्रकाश बढ़ने से तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो CO2 इज ए लिमिटिंग फैक्टर, CO2 एक सीमाकारी कारक है, ये हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पीले रंग के फल और सब्जियां आंखों के लिए क्यों माना जाता है? सुनो बेटा, इन फलों का जो पीला रंग है ना, वो किसकी वजह से? सबसे पहले तो याद रखना, ये होता है बेटा बीटा कैरोटीनॉइड की वजह से, बीटा कैरोटीनॉइड। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बीटा कैरोटीनॉइड किस क्या बनाता है आगे जाके, विटामिन ए, रेटिनॉल बनाता है। अब देख लो इसमें, अब आपको एक और चीज बताता हूं कि विटामिन ए का जो नाम है ना बेटा रेटिनॉल, विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, और ये रेटिनॉल आगे जाकर बनाता है बेटा रेटिनल, रेटिनल से आगे जाके बनता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन एक वर्णक है जो आंखों के अंदर पाया जाता है। ये रोडोप्सिन वर्णक आईज के अंदर होता है और हमारे विजन मतलब देखने में सहायक होता है। तो हमने क्या कहा कि पीले रंग का कारण है बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड से विटामिन ए मतलब रेटिनॉल बनता है, रेटिनॉल एक वर्णक बनाता है रोडोप्सिन जिससे हमें दिखाई देता है, देखने में सहायता करता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन की संख्या के लिए नहीं कोई मतलब नहीं है, इसमें मैं आंसर बताता हूं बेटा थर्ड है। देखो लिखा है इनमें रोडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनॉइड होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि रेटिनल वर्णक के विकास के लिए विटामिन ए होता है, विटामिन ए नहीं होता, कैरोटीनॉइड होते हैं, फिर कैरोटीनॉइड आगे जाकर बनाते हैं। तो यहां ध्यान रखना, और वो क्या बनाता है रोडोप्सिन, तो सीधा आंसर मिल गया कि रोडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनॉइड होते हैं, क्योंकि पीला रंग का कारण बीटा कैरोटीनॉइड है जो आगे विटामिन ए बनाएगा और विटामिन ए से बनेगा रोडोप्सिन। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? पूछा कि येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड्स, राइट। और बीटा कैरोटीनॉइड से क्या बनता है? विटामिन ए, और विटामिन ए से क्या बनता है? रोडोप्सिन। तो आंसर इस थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, सही युग्म पहचानी है, फंक्शन देखने बेटा। ऑक्सीन शीर्ष कलिका प्रभाविता, शीर्ष कलिका प्रभावी का मतलब हो गया शीर्ष प्रधान्यता, एपिकल डोमिनेंसी, शीर्ष प्रधान्यता, इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी, ये रहा एपिकल डोमिनेंसी, और ये बिल्कुल सही है, फेमस है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन शीर्ष की वृद्धि को बढ़ाता है और शाखाओं की वृद्धि को कम करता है, इसी को शीर्ष प्रधान्यता एपिकल डोमिनेंसी कहा जाता है। तो ये तो हमारा सही है। आगे चलते हैं, जिब्रेलिन परिपक्वन हार्मोन, नहीं नहीं भाई, इथाइलिन परिपक्वन हार्मोन बोल सकते हैं, फलों को पकाने में यूज होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। साइटोकाइनिन आनुवंशिक वामनता निवारण, लंबाई को बढ़ाने का काम जिब्रेलिन का होता है, न कि साइटोकाइनिन का, मतलब ये भी गलत हो गया। इथाइलिन कोशिका विभाजन, नहीं भाई, कोशिका विभाजन को तो साइटोकाइनिन बढ़ाता है, इथाइलिन तो बढ़ाता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। मतलब सही कौन सा है? केवल हमारा ऑक्सीन वाला सही है। जिब्रेलिन राइपनिंग हार्मोन नहीं है, राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन है। साइटोकाइनिन जेनेटिक डॉर्फिज्म को ट्रीट नहीं करता, जेनेटिक डॉर्फिज्म को ट्रीट करता है जिब्रेलिन, एंड इथाइलिन इज नॉट इनिशियल ऑफ सेल डिवीजन, ये काम करता है साइटोकाइनिन। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर कौन सा सही है? ऑक्सीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी ट्वेल्व इन विटामिन बी ट्वेल्व मे बी ऑप्टेन फ्रॉम द दिस फूड मटेरियल, किन से विटामिन बी ट्वेल्व उपलब्ध होता है? बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन बी बारह एक ऐसा विटामिन है जो प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं होता, प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं होता, एबसेंट इन प्लांट प्रोडक्ट, एबसेंट इन प्लांट प्रोडक्ट, एबसेंट इन प्लांट प्रोडक्ट मतलब पादप उत्पादों में नहीं पाया जाता, कोई भी पादप उत्पाद हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, पत्ते हो, तने हो, पादप उत्पाद में नहीं होता। तो इसको खाने के लिए, इस विटामिन बी के 12 के लिए या तो आपको मिल्क लेना पड़ेगा, या आपको यकृत खाना पड़ेगा, या आपको मांस खाना पड़ेगा, या आपको अंडे खाने पड़ेंगे। एक अपवाद बेटा स्पाइरुलिना एल्गी, स्पाइरुलिना एक शैवाल है, ये अपवाद है क्योंकि प्लांट का भाग होते हुए भी इसमें विटामिन बी 12 होता है। सामान्यतः विटामिन बी 12 पादप उत्पादों में नहीं पाया जाता, अपवाद है स्पाइरुलिना, बट किन के अंदर मिलेगा? मिल्क, यकृत, मांस और अंडे। ऑप्शन देख लो, पत्तेदार सब्जियां नेवर पॉसिबल,
खट्टे फल नेवर पॉसिबल क्योंकि पादप उत्पाद है। मेवे, मेवे भी पादप से बनते हैं, बादाम काजू जो भी, ये भी नहीं होता। तो आंसर है ईस्ट एंड यकृत, इनसे हमें विटामिन B12 अच्छा मिल जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 4। इस तरह से प्लांट फिजियो के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।